नमस्कार, मैं उमेश करुणा और बहुजन हलचल के जागते रहो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जाति का विनाश होगा तो ही भारत का विकास होगा। हम आपको बता दें कि जातिवाद आज तक यहाँ पर क्यों समाप्त नहीं हो पाया और जातिवाद का विनाश यहाँ से क्यों नहीं हो पाया, जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है, हम आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि जातिवाद हिंदू धर्म में नहीं, सभी तमाम धर्मों में है। हमने देखा कि मुस्लिम धर्म में भी जातिवाद है, हमने देखा कि ईसाई धर्म में भी जातिवाद है, जातिवाद तमाम धर्मों में बना हुआ है। हम आपको एक ताज़ी घटना बता देते हैं। अभी पिछले दिनों मेरठ के खरखोदा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पीपली खेड़ा, वहां हमें पता चला कि एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है। वह बच्ची मुस्लिम समुदाय से थी। हम वहाँ पहुँचे, हमने पड़ताल की, जो बच्ची के परिजन थे उनसे हमने बात की तो वह बोले कि जो आरोपी पक्ष है वह एक छोटी जात का है और मुस्लिम है और हम मेवाती है, राजस्थानी हैं। उस छोटी जात के उन्हें यहाँ पर आतंक मचा रखा है, यहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। छोटी बड़ी जाति की बात वहाँ चल रही थी। हम कंफ्यूज हुए, हमने पूछा उनसे कि छोटी जात बड़ी जात की बात मत करो। ये हमने वहाँ देखा और भी हमने कई जगह देखा कि मुस्लिमों में भी छोटी बड़ी जात होती है, लेकिन हिंदू धर्म ही ज़्यादा बदनाम है। ये बात आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, जिसके चलते यहाँ जातिवाद को ज़्यादा विस्तार मिला और जातिवाद फैलता चला गया। अगर हम जाति की बात करें तो जाति क्रम के अनुसार बनी थी। जो जिसका कर्म था, जो जिसका कार्य था, वह उसकी जाति का नाम दे दिया गया। जैसे कि बाल काटने वाले को नाई कहा गया, चमड़ा उतारने वाले को चमड़ा बनाने वाले को चमार कहा गया, और व्यापार करने वाले को बनिया कहा गया, लोहा पीटने वाले को लोहार कहा गया, सोने का काम करने वाले को सुनार कहा गया, मट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा गया, भैंस चराने वाले को अहीर कहा गया, यादव कहा गया। इस तरीके से तमाम यहाँ पर हजारों जातियाँ बनी। इन जातियों के चलते आज देश का विकास नहीं हो पाया। ये देश की उन्नति में एक अभिश्राप है। इस अभिश्राप से निपटने के लिए हम जैसे युवाओं को, हम जैसे इस देश के नौजवानों को ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि भारत में आज तक राजनेता व संगठन जातिवाद का सफाया नहीं कर सके। वह काम हम युवाओं को करना होगा। ये बात सब जानते हैं कि जातिवाद से ही देश की उन्नति में बाधा है और जातिवाद ही एक ऐसा अभिश्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर आज तक देश में उन्नति नहीं हो पाई। एक दूसरे के लिए जहर उगलते हैं। जातिवाद के चलते यहाँ पर मनुष्य मनुष्य एक दूसरे से झगड़ता है, ऊंच नीच की भावना बनी हुई है। छुआछूत का जमाना था, एक समय मनुष्य भेदभाव करते थे, एक दूसरे के साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे को शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे। ये बहुत सारी ऐसी प्रथाएँ थी जिन प्रथाओं का आज भी यहाँ के जो नौजवान उनको भुगतना पड़ता है, बीच बीच में देखना पड़ता है कि जातिवाद है। और वह जातिवाद हमने भी महसूस की, हमने भी देखा चारों तरफ। जब बच्चा बचपन में छोटा होता है, वह स्कूल में जाता है, उसे कुछ नहीं पता होता कि मैं कौन सी जाति का हूँ, कौन से धर्म का हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसके सामने जातिवाद व धर्म आने लगता है। बच्चा उस समय एकदम होपलेस हो जाता है, बच्चा चकित हो जाता है कि क्या शब्द आया जातिवाद, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस जाति का हूँ। ये बच्चे के सामने बात आती है, हमारे सामने भी आई। जब हम स्कूल में जाते थे, छोटे थे, तो हमें पता चला कि हम यहाँ जातिवाद में बटे हुए हैं, हमें पता चला कि हम किस जाति के हैं। हमने घर पर आके पूछा कि क्या हम इस जाति से हैं, हमें घर वालों ने बताया कि हाँ इसी जाति से है। ये क्यों है, क्यों हम काम के अनुसार, कर्म के अनुसार हमें जाति का नाम दे दिया गया था कि जो जिस काम को करता था वह उस जाति का था। हमारे साथ और बच्चे पढ़ते थे कि वो नाई का बच्चा है, वो कुम्हार का बच्चा है, वो जाट का बच्चा है, वो पंडित का बच्चा है, वो बनिए का बच्चा। ये बातें हमारे सामने आई, हमें महसूस हुआ कि जातिवाद क्या है। हमने देखा, परखा और डीपली जाने लगे। कुछ समय तक हम इसी में उलझे रहे कि जातिवाद क्या है। हमें पता चला कि महापुरुषों में भी जाति होती है। ये हमने कब देखा, ये हमने तब देखा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस हम धूमधाम से मनाते थे और आज ही मनाते हैं, तो वह हम ही मनाते थे। बाकी के जो हमारे मित्र थे, सवर्ण थे, ओबीसी थे, वह उसे नहीं मनाते थे, हम ही मनाते थे, हमारा समाज मनाता था। और जो रामनवमी आती थी, होली आती थी, दीपावली आती थी, रक्षाबंधन, तमाम त्यौहार थे, उन्हें हम भी मनाते थे और वह भी मनाते थे। तो हमें पता चला कि यह जातिवाद है, छोटा बड़ा है, फिर भी हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये परंपरा बनी हुई थी, हमारे बुजुर्गों ने बनाई, पूर्वजों ने बनाई, जिसको निभाते रहे। उसके बाद हम कॉलेज में गए, वहाँ हमें पता चला कि जातिवाद है, छोटा बड़ा देखा जाता है, जातिवाद का हमें पता चलने लगा। हमने देखा कि जातिवाद है। किसी बच्चे को कहते कि नाई का बच्चा, हमने उसका पता करा कि इसके पिताजी नाई का काम नहीं करते, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लेकिन नाई का बच्चा। किसी को बताया गया कि कुम्हार का बच्चा,
हमें जो बताया गया था कि जो जो काम करता है वह उसके अनुसार उसकी जाति थी। हम वहाँ उलझ गए कि उसको नाई का बच्चा कहा, नाई बोलते थे बाल काटने वालों को, लेकिन उसके तो पिताजी या परिवार में कोई बाल नहीं काटता। वहाँ उलझ गए। हमें पता चला कि चमार का बच्चा, हमें बताया गया था कि जो चमड़े का काम करता है वह चमार होता है, लेकिन उसके परिवार में कोई चमार चमड़े का काम नहीं कर रहे थे। हम वहाँ उलझ गए। फिर हमें पता चला कि पुराने समय से ही जिसको जिस जाति में डाल दिया गया, जिसको जिस जाति का नाम दे दिया गया, वह उसी जाति का रहेगा। फिर हमने देखा कि यह है हिंदू धर्म में नहीं, यह है मुस्लिम धर्म में भी है, यह ईसाई धर्म में भी है, यह सभी धर्मों में जातिवाद है। क्यों है? क्योंकि कुछ पुराने चालाक किस्म के लोगों ने यह जाति बनाती थी। उन्हें यह नहीं पता था कि इसका खुमियादा यहाँ आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएगी, यहाँ एक दूसरे के लिए जहर उगलेंगे, ऐसा नहीं पता था उनको। लेकिन उनसे जो गलती हुई हुई उसका समाधान हम जैसे युवाओं को करना होगा, हमें इसका समाधान करना होगा। लेकिन इसका समाधान कैसे हो, इस पर हमने सर्च किया, इस पर हमने फोकस किया, इसकी हमने स्टडी की। हमने देखा कि यहाँ पर जातिवाद को बढ़ाने में राजनीति पार्टियाँ भी भूमिका निभाती है। वह भी नहीं चाहती कि यहाँ पर जातिवाद खत्म हो, वह भी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, कोई दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कोई यादवों के नाम पर, कोई जाटों के नाम पर, कोई गुजरों के नाम पर, कोई बनियों के नाम पर, कोई तेली के नाम पर, कोई तमिली, जितनी जातियाँ सभी के नाम पर वोट मांगी जाती है। जो जिस जाति का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा हो जाता है वह उस जाति को फोकस करता है, जातिवाद की बातें करता है। और जातिवाद का विनाश कैसे होगा जब इस तरीके की बात होती है, ये हमने देखा। जातियों के नाम तो थे, लेकिन उसके अलावा दलित, ऐसे ऐसे शब्द मिलाए गए, ये एक अलग ही जाति बना दी गई। जातियों में से जाति बनती चली गई, लेकिन दलित ऐसे शब्द मिलाए गए। इस दलित का क्या मतलब समझो, इस दलित के नाम पर राजनीति होती है। जब राजनेता ही ऐसी बातें करेंगे, ऐसी जातियों का नाम रखेंगे, नए नए शब्द लाएंगे, तो जातिवाद कैसे समाप्त होगा? इसमें राजनेताओं को भी सोचना होगा और राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि नाम के आगे सरनेम होता है, उसमें भी जाति का शब्द जुड़ जाता है। जैसे कि फला यादव, फला जाटव, फला चौहान, फला ठाकुर, फला शर्मा, इस तरीके के शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कैसे जाति टूटेगी? जाति को बढ़ावा भी हमें लोग देते हैं, इससे तो जातिवाद बढ़ता है। अब हम और आगे चलते हैं। हम एक दूसरे की जातियों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि अलग अलग परंपरा बनी हुई हैं, लेकर जन्म से मरण तक अलग अलग परंपरा है हर जातियों की, हर समुदाय की। ये हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं अभी, मुस्लिम धर्म में हमने अभी नहीं देखा। हिंदू धर्म में क्या होता है कि जितने भी समुदाय है, जितनी भी जाति है, जिसका जन्म होता है बच्चे का किसी, वहाँ पर अलग अलग तरीके से परंपराएं निभाई जाती हैं। किसी में छोचक पूछता है, तो किसी में कुआ पूछता है, तो किसी में कुछ होता है। अब आते हैं मरण की बात पर। मरने में हमने देखा, हम कुछ जगह गए अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यदि कोई एक वर्ग का व्यक्ति दूसरी जाति में अंतर जाति विवाह करना चाहे, तो वहाँ पर ये अड़चन आती है, रीति रिवाज वाली, कर्म कांड वाली, कि फला खान पान में आती है कि वह तो मांसाहारी है, हम शाकाहारी है, वे मांस खाते तो हम नहीं खाते, वहाँ पर अड़चन आती है। वह इस तरीके के रीति रिवाज में पड़े हुए हैं और हम इनसे निकले हुए हैं, यहाँ आती है। ये जो ऊँच नीच बनी हुई है, ये कर्मकांड जो है, यह भी इसका कारण है कि जातिवाद खत्म नहीं हो पा रहा। जातिवाद को समाप्त करने के लिए कर्मकांडों का भी समाप्त होना बहुत जरूरी है, ये बात आपको माननी होगी, क्योंकि हर जाति में अलग अलग तरीके से कर्मकांड बने हुए हैं, हर जाति में अलग अलग तरीके से रीति रिवाज बने हुए हैं। जिस प्रकार किसी भी समुदाय में, किसी जाति में शादी होने से लेकर बच्चा पैदा होने से मृत्यु होने तक अलग अलग रीति रिवाज बने हुए हैं। किसी में पिता को पुत्र अग्नि देता है, तो किसी में पिता को भाई देता है, तो किसी में भाभी को देवर देता है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, इस तरीके के रीति रिवाज यहाँ पर हैं। अंतर जातीय की बात करें अगर हम, अंतर जातीय विवाह होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, क्योंकि उससे ये कर्म कांड भी खत्म होंगे, रूढ़िवादी परंपरा जो चली हुई है यह भी खत्म होगी। इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। हम देखते हैं कि किसी भी जाति में, चाहे वह सवर्ण क्यों ना हो, OBC क्यों ना हो, सभी में अगड़े पिछड़े होते हैं। और अगड़े पिछड़े इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर सब एक समान नहीं है। हमने सवर्णों में भी देखा, वह भी बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही लाचार होते हैं, हमसे मिलते जुलते रहते हैं। हम देखते हैं उनकी समस्याएं बहुत ही ऐसी होती है कि हमें तरस आता है। उसका भी यह कारण है कि जातिवाद यहाँ पर बना हुआ है, जातिवाद प्रथा जो चलती आ रही थी उसकी वजह से यहाँ पर आज हर जाति में, हर धर्म में अगड़े पिछड़े होने लगे। समानता का जरिया खत्म हो चुका, समानता यहाँ रही नहीं। जो ऊंचे वर्ग पर है वह नाम का ऊंचा है,
मानता अपने आप को कि मैं ऊंची जाति का हूं, लेकिन चाहे घर में दाने ना हो, बस जाति ऊंची है। अरे उस ऊंची जाति से क्या होगा, कर्म महान करो, इस जातिवाद को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाओ, सबको आगे आना होगा इस जातिवाद को समाप्त करने में। हमें बहुत खुशी होती है कि अंतरजातीय विवाह होते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि अंतरजातीय खान पान होता है, सब रोटी बेटी का रिश्ता रखेंगे तो देश की उन्नति होगी, देश का विकास होगा। जिन लोगों ने जाति बनाई थी, जाति प्रथा चलाई थी, उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले समय में क्या होगा, एक दूसरे के प्रति जहर उगला जाएगा, एक दूसरे से नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जो किया किया, उन्होंने क्रम के अनुसार जाति बनाई थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद यहाँ पर जातिवाद को समाप्त करने के लिए आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया और खान पान का, रहन सहन का सभी अधिकार दिए गए। उसमें यह नहीं थी कि जो जिस जाति का है उसी जाति में काम करेगा, परंपरागत काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ जातियों ने आज भी इस तरीके का अपना कार्य बनाए रखा है कि जो जिसका काम है वह वही करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो व्यापारी है, जो बनिया है, वैश्य है, वह व्यापारी करेगा, वह नौकरी भी कर सकता है, कर रहे हैं, वह कुछ भी कर सकता है, फिल्मी लाइन में जा सकता है, क्रिकेटर बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अगर हम किसी दलित की बात करें तो वह कुछ भी बन सकता है, नौकरियों में जाते हैं, आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, पत्रकार, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, कुछ भी बन सकता है, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आज जातिवाद खत्म नहीं हो पाया। जातिवाद खत्म करने के लिए इस तरीके का एक समानता का अधिकार लागू किया गया था। उसके बाद भी आज कुछ जातियाँ ऐसी है, जैसे कि वाल्मीकि समाज की बात करें, वह झाड़ू तक ही सीमित है, वह झाड़ू से आगे निकलना नहीं चाहता, उस काम को नहीं छोड़ना चाहता, वह उसको परंपरागत काम समझता है कि यह हमारे लिए है, हम ही करेंगे, इस पर कोई और अधिकार ना कर ले, इसीलिए वह आज आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसकी जो सोच है डेवलप नहीं हो पा रही। कुछ ही ऐसे उस समाज में लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उस अपने कार्य को बदला, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, व्यापार में लाए, अन्य किसी और कार्य में लाए, वह आगे बढ़े क्योंकि उनकी सोच बदली। एक बात कही जाती है कि जो वाल्मीकि है वह हलवाई का काम नहीं कर सकता, और जो चमार है वह फेरे नहीं डलवा सकता, पंडित का काम नहीं कर सकता। उसके लिए आरक्षण बनाया गया कि आरक्षण से जो समानता आ सके, क्योंकि जो वाल्मीकि है वह हलवाई का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह पिछड़ा हुआ है, जिससे लोग घृणा करते हैं, उसके खान पान से, रहन सहन से, उसकी बोल चाल से आरक्षण इसलिए दिया गया, इससे वो शिक्षित हो, डेवलप कर सके और अच्छे से व्यापार कर सके। शिक्षा लेने के बाद डेवलप होकर वह अगर हलवाई का काम करे और उसे अगर कोई रोकता है या जातिवाद करता है तो वह उससे लड़ सके। अगर कोई चमार पढ़ लिखने के बाद अगर चाहे तो किसी के फेरे डलवाना या मंदिर में पूजा करना, अगर चाहे तो, हालांकि ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि ये मनुवाद और पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद, अम्बेडकरवाद वाली विचारधारा आ जाती है, अगर चाहे तो कर सकता है, अगर वह नहीं कर रहा और उसका शोषण होता है, उस पर कोई टिप्पणी करता है, जातिवाद करता है, तो वह उसका जिम्मेदार, लड़ सकता है, वह उसका अधिकार है। लेकिन शिक्षित होना पड़ेगा, सभी अधिकार छीन सकते हो, अगर चाहे तो उनका दर्जा भी ले सकते हो, क्योंकि सभी अधिकार हमारे पास है, उसके लिए बस हमको अधिकार जानने होंगे, शिक्षित होना होगा। वो लोग भी नहीं रोकेंगे, वो भी ये चाहते हैं कि उसके अंदर गुण हो, गुण होंगे तो जाए, और गुण नहीं होंगे तो कोई अपना भी पास नहीं लगाता। आप ये बात भी जानते होंगे कि जातिवाद या लड़ाई, ये जो आपस में झगड़े होते हैं, यह एक जाति का दूसरी जाति से नहीं, ये अपनों में भी होते हैं, जैसे कि राजपूत राजपूत से लड़ता है, पंडित पंडित से लड़ता देखा हमने, जाट जाट से लड़ता देखा, गुज्जर गुज्जर से लड़ता देखा, जाटव जाटव से भी लड़ता देखा हमने, तो यहाँ तक पति से पत्नी लड़ते देखी और बाप से बेटा लड़ते देखा। हर वर्ग में हर प्रकार से पारिवारिक झगड़े भी होते हैं, और देश की उन्नति में अगर इस चीज़ को, जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, जातिवाद से जोड़ा जाएगा, राजनीति रोटियां सेकी जाएगी, तो देश का विकास कभी नहीं होगा। ये आज हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये हम वाली बात कह रहे हैं कि जिससे इस देश में सुख शांति रहे, कोई यहाँ पर दुश्मन नहीं है, सब अपने हैं। और ये जो बात कहते हैं कि मूल निवासी आर्य बाहर से आए थे, उस चीज़ में कुछ नहीं रखा, आर्य कहीं से भी आए थे, अब यहाँ के सब मूल निवासी है, आज यह संविधान है, धर्म निरपेक्ष देश है, ये सभी को रहने का अधिकार है। ये बात हम ही कहते हैं कि यह सभी को रहने का अधिकार है, और हम ही कहते हैं कि ब्राह्मण भगाओ, हम मूल निवासी है,
हम इस देश के मूल निवासी है, आर्य भारसा, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब बात करनी होगी हमें यहाँ देश के विकास की, समानता की, समता की। ये बनाना होगा हमको एक प्रबुद्ध भारत, अपने विचारों से, अपने ढंग से, जमीन पर रहकर धरातल से काम करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देख रहे थे बहुजन अंचल का जागते रहो प्रोग्राम। मैं उमेश करुणा आपसे याद लेता हूँ। धन्यवाद।